लैंड करना है अब अपन को, तो लैंड करने के लिए एक तो सफिशिएंट टाइम दो, जल्दबाजी में नहीं करना क्योंकि अपन को एकदम स्मूथ करना है। फोरहेड से स्टार्ट करते हैं, ब्रश से ही करो, ओके। कॉटन से पूरे में नहीं फैलाना है अपन को, ब्रश से जो स्पेसिफिक एरियाज हैं वैसे ही करते जाना है। तो ब्रश से धीरे धीरे स्टार्ट किया, बॉर्डर बॉर्डर पे करो, फिर सेंटर सेंटर में लाओ। ब्रश से करने के भी दो तीन तरीके होते हैं। एक क्या रहता है, सिर्फ फोरहेड लिया मैंने, तो मैं क्या करूँगा, इसे सर्कुलर चलाया, यहाँ थोड़ा बॉर्डर बॉर्डर, यहाँ पे जो हाईलाइट छोड़ना था बीच में उसके अराउंड मैंने किया, ओके। एक मैंने जल्दी जल्दी, ये मैंने एक बेसिक सा शेड वो ब्लेंड कर दिया, जल्दबाजी में जो अपन करते ना, ऐसे नहीं कि उल्टा सीधा कहीं भी चला, अब थोड़ा स्पेसिफिकली आराम आराम से ब्रश चलाएंगे यहाँ यहाँ पे। अच्छा, हॉरिजॉन्टली ठीक है, तो इसी तरीके से अपन को पूरे चेहरे पे करना है। अब एक चीज है, जैसे यहाँ लाइन सी छूट रही है यहाँ पे, तो वो नहीं करना अपन को। तो यहाँ पे अपन HB पेंसिल लेंगे और हल्का हल्का नीचे की तरफ शेड करेंगे ताकि ब्लेंड हो जाए ये पोर्शन। इतना भी ज्यादा अपन को हाईलाइट नहीं छोड़ना है, ये वाला जो यहाँ पे आ रहा है ना, इतना भी ज्यादा लाइट नहीं छोड़ना है। इस तरीके से फिर से ब्लेंड कर लो, ओके। ब्लेंडिंग में ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में अपन 1 मिनट में पूरा चेहरा ब्लेंड कर लिया, नहीं, आराम से 10-15 मिनट लगते हैं, कंटिन्यूअसली ब्रश चलाना है। इस तरीके से आप जैसे आते हैं चीक्स वाले पोर्शन पे, ओके। तो पहले आईज को करो, जैसे मैं बताया ना, एक हल्का सा ब्रश चला दो पूरे में, ओके। अब स्पेसिफिकली आ जाओ इस एरिया पे, यहाँ ब्रश चलाया आईज के ऊपर या नोज के लेफ्ट हैंड साइड चलाया। बॉर्डर बॉर्डर पे ध्यान रखना, बहुत ज्यादा ऐसे डार्क नहीं हो जाना चाहिए कि हाईलाइट ही गायब हो जाए पूरा, ओके। ये सेम चीज नीचे नीचे करें, और नीचे नीचे भी आते गए थोड़ा, चीक्स वाले रीजन पे आते हैं, कंटिन्यूअसली ब्रश चलाते रहे जब तक जो लाइन दिख रही ना बीच में, लाइट और डार्क के बीच में, वो गायब ना हो जाए। ऐसा सिर्फ डार्क टू लाइट अपन को स्मूथली जाता दिखे, और लग रहा है कि नहीं आ पा रहा है जैसे मान लो, तो क्या करना, सिंपली HB पेंसिल लो और बॉर्डर बॉर्डर पे हल्का हल्का शेड कर दो, ठीक है, जहाँ पे अपनी लाइन सी बन रही है, तो वहां क्या होता है, वो लाइन जो है वो ब्लेंड हो जाएगी अच्छे तरीके से। ये चीज मैं बोलता हूँ शेडिंग के समय कर लो, तो अपन को ब्लेंडिंग पे उतना ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना, ऐसे ओवल शेप में चला लो, जितना ज्यादा स्मूथ हो सकता है उतना ज्यादा करो। नोज के नीचे वाला एरिया, चीक्स वाले एरिया पे आते हैं, चीक्स के नीचे वाले कंटिन्यूअसली ब्रश चलाते रहो बस। ब्रश में जो ग्रेफाइट इकट्ठा हुआ वो थोड़ा नीचे नीचे लिप्स के नीचे यूज करेंगे अपन, इस तरीके से। फिर जो नोज वाला पोर्शन आता है, अब आईज के इस वाला एरिया का पोर्शन अपन पहले जैसे लेफ्ट में किया है ना, पहले सर्कुलर चला चला के ये ब्लेंड किया, उस स्पेसिफिक एरिया में सर्कुलर चला चला के ये ब्लेंड किया, आईज के नीचे, नोज पे जो आ रहे हैं नोज पे ऐसे कर्व करते हुए ले जाओ, ठीक है। ऐसे नहीं कि एकदम जल्दी जल्दी आगे लेकर, उतने ही आगे बढ़ो जितना ब्लेंड होता जा रहा है। जैसे यहाँ इतना ब्लेंड हुआ थोड़ा सा आगे बढ़े, यहाँ इतना ब्लेंड हुआ थोड़ा और आगे बढ़े, यहाँ हुआ थोड़ा और आगे बढ़ते गए, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे चलाते रहो ब्रश, हो
ओके, फिर यहाँ बॉर्डर पे हुआ, बॉर्डर से अंदर की तरफ ला रहे अपन। मैंने क्या बोला, जैसे ये ज्यादा छूट गया मेरा, ठीक है, उतना है नहीं, ब्लेंड नहीं हो पा रहा, तो मैं हल्का हल्का अब एचबी से दोबारा शेड करूंगा बॉर्डर पे, और ये हो गया, ठीक है। अब बीच का जो कर्व है, ऐसे धीरे धीरे ओवल शेप चलाते रहो, ओवल शेप चलाते रहो, ठीक है। तो नीचे का जो पोर्शन है वो भी ब्लेंड हो गया, ये ब्लेंडिंग स्टंप से कर लो, ओके, जो ये नॉस्ट्रल और नोज वाला एरिया है, नीचे वाला, कैसे ब्लेंडिंग स्टंप को ऐसे सर्कुलर चलाओ, ओके, स्मजेज आने का डर है, ध्यान से करना, ओके, स्मजेज आ सकते हैं, धीरे धीरे ही करना इस तरीके से, और फिर कंटिन्यूसली अपना ब्रश चलाते रहो। यहाँ ऊपर ऊपर चलाया अपन ने, अब सेम तरीके से चीक्स पे चलाना है, तो पहले एक हल्का हल्का ब्रश चला लिया अपन ने, अब ये जो कंटिन्यूस जो डार्क पोर्शन है ये वाला, यहाँ पे ब्रश चलाओ और चलाते चलाते ऊपर ले जाओ, ऊपर से नीचे लाओ, ठीक है। फिर से यहाँ पे अपन ने कम शेड किया, तो हल्का हल्का ज्यादा शेड कर लो अंदर की तरफ, ये ब्लेंडिंग करने से पहले कर लेना जहां जहां मैं अभी शेड बता रहा हूँ, ओके, इस तरीके से किया, या बॉर्डर पे और अच्छे तरीके से करते जाए अपन, और अंदर की तरफ लेते जाए, यही सेम चीज नीचे नीचे भी की, ओके। तो अपनी ये जो लेयर है ये ब्लेंड हो जाती है, 6B वाली लेयर है, 6B पेंसिल। अब ऊपर फोरहेड वाले रीजन पे आते हैं, आराम आराम से शेड करना है, सिर्फ बॉर्डर बॉर्डर पे, ठीक है, यहाँ पे, और फिर बीच बीच में देखो थोड़ा सा गैप सा है ऐसे ट्राइंगल सा, फिर हल्का हल्का शेड करते हुए नीचे आएगा, ओके, बस इतना काफी है। इतना करने के बाद हल्का सा ऐसे बाहर की तरफ ब्लेंड करते हुए ले जाना है, ताकि ब्लेंडिंग में आसानी रहे अपन को, ओके। थोड़ा सा जो सर पे जो टेंशन वाली लाइन आती है ना, ये रिंकल्स से हल्के से वो बनाए, काफी है। फिर आते हैं आईज पे, आईज पे जो आउटलाइंस है ना ये वाली, ये तो अभी अपन देंगे, लेकिन उसके पहले 6B से ये हल्का हल्का ही करना अपन को, 6B से बहुत भरना नहीं है, क्योंकि 6B ऑलरेडी डार्क है ना अपने लिए। यहाँ पे बस थोड़ा सा किया और अंदर की तरफ ले गए, यहाँ पे नीचे थोड़ा सा किया ऐसे, फिर जो चीक्स वाला रीजन आता है, जैसे ये है, इस पे शेड करो, ओके, इसके ऊपर ऊपर वाले रीजन पे शेड करो, अंदर नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर ऐसे, ताकि ये थोड़ा उठा हुआ दिखे, ठीक है। बॉर्डर बॉर्डर पे करना है अपन को, बहुत स्मूथली करना है, ठीक है, टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन आराम आराम से करो, ठीक है। इसको ब्लेंड करना होगा अपन को अंदर, इसलिए थोड़ा डार्क यहाँ पे किया, अंदर थोड़ा थोड़ा लाइट किया, ताकि ब्लेंडिंग में आसानी रहे, तो ये अपना लेफ्ट साइड वाला पोर्शन जो है डार्क जितना करना था हो गया। जो नोज पे आओ आप जरा, यहाँ यहाँ नीचे की तरफ पहले नॉस्ट्रल फिल करा अपन ने अच्छे तरीके से, अब उसी तरीके से अपन ये शेडो भी फिल करेंगे,
फिर आता है चीक्स, राइट चीक्स पे। तो ये देखो ये पूरा जो पोर्शन है यहाँ से ऊपर पतला है, लेकिन नीचे नीचे ये शेयर एरिया ज्यादा है। इस तरीके से ओके। अब ऐसा नहीं करना कि एकदम से करके छोड़ देंगे अपन, थोड़ा सा ऊपर ब्लेंड करेंगे यहाँ यहाँ पे। लेकिन उससे पहले नोज देखो, नोज में जो पीछे का पोर्शन है लेफ्ट वाला ये ब्लेंड हुआ, नीचे का पोर्शन अपन को दिख ही रहा है, ये कर्व वाला रीजन जो है वो डार्क है अपना अच्छा खासा। तो 6B से किया यहाँ तक उठ के आएगा, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल की तरफ बढ़ेंगे अपन ओके। इसे थोड़ा ऐसे ऊपर ले गए, आउटलाइन की तरह दिया। ये वाला जो पोर्शन आता है आईज पे जहाँ पे मैंने कर्व बनवाया था, वहां पे 6B बहुत हल्के हल्के तरीके से चलाना और पीछे की तरफ ले जाओ ओके आईज में, और हल्का सा आगे की तरफ लाओ नोज पे ओके। आईज पे फिर से अपन नीचे वाले पोर्शन में थोड़ा थोड़ा ऐसे शेड करेंगे, इसे ऐसे कर्व्स में करना ताकि जो रिंकल्स का जो टेक्सचर आता है ना वो भी आ जाए और अपना शेड भी हो जाए। सेम चीज ऊपर आराम आराम से यहाँ यहाँ शेड किया ओके। बहुत ज्यादा नहीं करना डार्क, इतना काफी है। तो जैसे ये आता तो यहाँ पे ऐसे वर्टिकली करो, यहाँ से थोड़ा पतला स्टार्ट होगा, छोटा सा पीछे गए थोड़ा और फैला बड़ा हुआ। ये वाले एरिया पे देख सकते हो यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा है, तो वही किया। नीचे नीचे थोड़ा लाइट किया, यहाँ पे चीक्स वाले रीजन पे हल्का हल्का लाइट किया अपन ने ताकि ब्लेंडिंग में आसानी रहे। तो अपना चेहरे पे जो अपन को 6B की लेयर चाहिए थी वो हो गई है। बहुत ध्यान से करना, उल्टे सीधे तरीके से मत करना, गड़बड़ आ जाएगा अभी ठीक है। तो इतना करो, तो देखो फोरहेड से स्टार्ट करते अपन, आराम आराम से यहाँ ब्लेंड करना स्टार्ट किया। इसको थोड़ा सेंटर की तरफ ले गए ऐसे सर्कुलर शेडिंग करते समय, ब्लेंडिंग करते समय यहाँ यहाँ पे ध्यान रखना। कॉटन से भी कर सकते हो, कॉटन को बस ऐसे फ्लैट रखना अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से सर्कुलर चलाओ फिर ओके। आईज वाले पोर्शन पे आते हैं, आईज वाले पोर्शन में भी ऐसे कॉटन को एकदम पतला कर लो और फिर सर्कुलर चलाओ। सेम चीज यहाँ पे करेंगे, नीचे भी करेंगे ओके। फिर ये बॉर्डर वाले पोर्शन पे किया अपन ने, ब्रश से ब्लेंड करते करते थोड़ा हल्का अंदर भी ले आएंगे ओके। यहाँ बॉर्डर बॉर्डर पे किया ऐसे कर्व करते करते, ओवल करते करते चीक्स वाला पोर्शन किया अपन ने फोरहेड वाले पोर्शन पे आते हैं अपन। यहाँ से आईज पे आओ, आईज पे सेम फिर से वही कॉटन लिया, सर्कुलर चलाते गए ठीक है। चीक्स वाले पोर्शन पे आते, इसको अच्छे तरीके से सर्कुलर चलाओ देखो, और इसको करने के लिए और बढ़िया है कॉटन से कर लो, बस याद रखना स्मजेस नहीं आने चाहिए, स्मूथली करना है। कॉटन से अच्छे तरीके से फैलाते रहो इसे, नीचे नीचे भी करते गए। आईज के नीचे वाले पोर्शन से करते करते चीक्स पे आओ, यहाँ नीचे कर्व करते करते ऐसे चीक्स फिल करो ओके। ये वाला जो पोर्शन है
एक चीज ध्यान रखना, इसे डार्क ही रखना है अपन को, जैसे बहुत ज्यादा लाइट ना हो जाए, तो एक आध लेयर और दे सकते हो। नोज की आउटलाइन दोबारा बनाओ, और नोज वाला जो पोर्शन है उसे ब्लेंडिंग स्टम्प से करो ब्लेंड, ठीक है, ताकि अपन को जो डेफिनेट शेप है ना डेप्थ की, यहाँ पे ये मिल जाए, क्योंकि अभी अपन इसे 8B से, ठीक है, 8B पेंसिल लो, 8B पेंसिल से इसे डार्क करो, नीचे वाला जो पोर्शन है ये वाला 8B पेंसिल लेंगे अपन, नोज के नीचे, ये नॉस्ट्रल वाले में थोड़ी और डेप्थ देनी है अपन को। पहले नोज की ऐसे आउटलाइन टाइप बनाई, हल्की यहां लेकर नॉस्ट्रल फिल करेंगे फिर अपन, और फिर ये शेडो वाला रीजन करेंगे। ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड कर लो अच्छे तरीके से, जो शेडो वाला रीजन है उसे थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ भी फैला लेना, और ये अपना शेड ब्लेंडिंग हो जाती है फाइनल लेयर की, ठीक है। तो इतना करो,